दोस्तों आपका एम एस चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। एक साइंस करावा जिप गर्ल जी जो लिखा हुआ है जिप गर्ल, उनका क्वेश्चन था किसी भी काले कलर की लिपित मुद्रा यानी कोटेड करेंसी, जैसे बैंक के नोट खराब हो जाते हैं उनको आपने कभी ठीक करने की कोशिश की है तो कौन सा केमिकल यूज़ किया था उसके विषय में बताएं। और एक केमिकल उन्होंने बताया SSD, कि वो केमिकल है वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मैंने उसके विषय में नहीं, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने देखा उसको यूट्यूब पे, तो मेरे ख्याल 25,000 के आसपास वो एक उसका लीटर का रेट है। तो मेरा कभी क्या है कि जैसे होली के टाइम में जैसे पॉकेट के अंदर पैसे रखे हुए हैं और वो उस पर कलर लग जाता है, तो उसे निकाल सकते हो। निकालने के लिए उसमें कोई ज़्यादा वैसी नहीं, क्यों सबसे बड़ी बात है कि हमें ये देखना है इस पर लगा क्या है, वाटर बेस्ड कलर लगा है या ऑयल बेस्ड लगा है। कि अगर मान लो इंक बेस्ड है तो इंक बेस्ड के लिए हम यूज़ करते हैं अमाइल एसीटेट और बेंजीन। अमाइल एसीटेट से निकल जाएगा, बेंजीन से निकल जाएगा, और निकलने को ये हमारा जो एसीटोन होता है एसीटोन से भी निकाल सकते हैं, और इसमें अनुपम यानी डिमाइथिल फॉर्मामाइड से भी निकाल सकते हैं इसको। बाकी हार्ड से हार्ड जो इस टाइप की जो इंक होती है उसको निकालने के लिए हम इसमें सैरिकोल यूज़ करते हैं, सैरिकोल स्टेन रिमूवर, जो कि 1 किलो के पैक में आती है, 400 रुपये उसका जो रेट है। तो बहुत ही पीछे मैंने कई वीडियो बनाई है उसके लिए, जो कहते हैं ना कि जो परमानेंट मार्कर तक को निकाल देता है, उसी तरह जो हमारे कई बार जो हमारे कपड़े हैं, क्योंकि मैंने कभी नोटों के विषय में क्या कि जैसे मान लो नोट के ऊपर किसी रुपए के ऊपर जो नोट होते हैं कागज़ के, उसके ऊपर मान लो कलर लग गया है तो उसको तो निकाल लेते हैं, बाकी इंक वगैरह लग जाती है तो उसको निकालने के लिए एसीटोन यूज़ करते हैं, बाकी और नेल पॉलिश वगैरह या और कोई कलर लग जाता है वाटर बेस तो उसके लिए हम इसमें निकालते हैं, बाकी इसमें ऑयल बेस जो लगता है उसके ऑयल बेस के लिए हम अमाइल एसीटेट बेंजीन और उसमें डिमाइथिल फॉर्मामाइड या अनुपम यूज़ करते हैं, उससे बिल्कुल निकल जाता है। उसका जो कलर होता है नोट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो और प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए अमाइल एसीटेट बेंजीन एसीटोन इनमें से कोई भी एक, इसमें आप फिर अनुपम यानी डिमाइथिल फॉर्मामाइड लगा सकते हैं, उस पर सैरिकोल लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे तो आपका, क्योंकि मैं कपड़े के विषय में जानता हूँ फिर भी कपड़े से और इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि कागज़ है, कागज़ को हम ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा इस पर रबिंग नहीं कर सकते, हमें वो केमिकल यूज़ करने हैं जिससे भी आसानी से निकल जाए। जैसे कई बार उसके ऊपर पेन से इंक से लिख दिया बैंक में, या लिख देते हैं रेड पेन से या ब्लू पेन से लिख देते हैं, या कोई नाम लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, उसको निकालने के लिए एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। एसीटोन के साथ में आप उसमें अनुपम यूज कर सकते हैं। उसी तरह उसके ऊपर आप अगर मान लो आपको गीला करना है तो रेजिस्कोर एन के अंदर उसको डिप कर दें हल्का सा, या अमाइल अमाइल के साथ में आप इसमें बेंजीन हल्का सा मिलाएंगे और ज़्यादा पार बढ़ जाएगी, या एसीटोन के साथ में इसमें आप अनुपम मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी पार बढ़ जाती है, तो आप उस नोट को उसमें डिप करें थोड़ी देर के लिए और वो बिल्कुल उसको क्लियर कर देगा। तो ये आप इसको ट्राई करके देखें, मैंने कभी नोटों के ऊपर इस टाइप का किया नहीं है, लेकिन जो वाटर बेस वगैरह इस टाइप के जो इंक वगैरह वो काफ़ी बार निकाली है, तो आप इसको यूज़ करके देखें और आपको इससे ज़रूर कुछ लाभ मिलेगा। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।